नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय शिडगन में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप SCF रेंजर या इससे रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए पर्यावरण भाग एक। ठीक दोस्तों, छत्तीसगढ़ वन सेवा आयोग से रिलेटेड यह जो है टॉपिक लिया गया है। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी कहलाती है गंगा नदी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? दोस्तों, जल प्रदूषण के प्राथमिक कारण हैं मानव की गतिविधियां। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी में कुल घुलित ठोस TDS को कम करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसमें से जो है बी और सी ऑप्शन दोनों का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे, आयन एक्सचेंज और आसवन दोनों विधि का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, CNG कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है यह एक स्वच्छ ईंधन है, याद रखेंगे, यह जो है एक स्वच्छ ईंधन है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लवण पानी की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? मैग्नीशियम सल्फेट। अगला प्रश्न दोस्तों, जल प्रदूषण के कारणों के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, इसमें से जो है तेल शोधन और कागज कारखाने दोनों, याद रखेंगे ये दोनों बी और सी। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लोरोफ्लोकार्बन मुख्य रूप से किसमें उपयोग किए जाने वाले गैर उपयोगी रसायन हैं? दोस्तों, ध्यान देंगे इसमें गैर उपयोगी रसायन पूछा गया है, तो इसमें जो है उपरोक्त सभी आएगा, इत्र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये तीनों। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का उपयोग दिए गए पानी के नमूने में गंध यौगिकों की एकाग्रता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? स्ट्रिपिंग, याद रखेंगे दोस्तों, स्ट्रिपिंग। अगला प्रश्न दोस्तों, पीने के पानी में अतिरिक्त फ्लोराइड के स्वास्थ्य प्रभाव क्या हैं? फ्लोरेसिस, याद रखेंगे, फ्लोरोसिस। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग जल निकायों में फ्लोराइड्स को हटाने के लिए किया जाता है? इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो आयन एक्सचेंजेस और चूना नरम करना, ये दोनों जो है अपनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है? आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा दोस्तों, टाइफाइड, हैजा, दस्त, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी में आर्सेनिक के मुख्य स्रोत हैं उर्वरक और औद्योगिक अपशिष्ट दोनों। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिकांश मीठे पानी की झीलों में अलिग्न उत्पादकता निम्नलिखित में से किस अकार्बनिक आयन की उपलब्धता से सीमित होती है? फास्फोरस, क्या देखेंगे, फास्फोरस की उपलब्धता से। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा रोग या संक्रमण खराब जल स्वच्छता के कारण होता है? कुष्ठ रोग, ट्रेकोमा, कंजक्टिवाइटिस, उपरोक्त सभी, ये जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, शीतल जल में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे 30 से 60 मिलीग्राम CaCO3 प्रति लीटर, ये जो है सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नमक अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न दोस्तों, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार कुल घुलित ठोस पदार्थों के 1000 मिलीलीटर प्रति लीटर से कम पानी है, मीठे पानी, याद रखेंगे मीठे पानी। अगला प्रश्न दोस्तों, निस्पंदन की प्रक्रिया में फिल्टर से गुजरने वाले विलेय ठोस की मात्रा को क्या कहा जाता है? कुल ठोस और निलंबित ठोस के बीच का अंतर, याद रखेंगे, कुल ठोस और निलंबित ठोस के बीच का अंतर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग पानी की टर्बिडिटी को मापने के लिए किया जाता है? ध्यान देखें दोस्तों, इसमें
टर्बिडिटी को मापने के लिए पूछा गया है। तो इसमें जो है उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है दोस्तों, उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक जलजनित रोग है? अभी हमने बताया दोस्तों जलजनित रोग खसरा, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू आप सभी का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।